जब भी हम क्राइम सीन देखते हैं या फिर कोई क्राइम से रिलेटेड मूवी सीरीज देखते हैं तो एक बार हमारा भी मन करता है कि काश हमें भी एक बार मौका मिले कोई क्राइम मिस्ट्री सॉल्व करने का। लेकिन इस क्राइम मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए हमारा दिमाग शार्प होना चाहिए। क्या आप भी ऐसे प्रोफेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं? और क्या आप भी ऐसी चाह रखते हो ऐसी ही क्राइम मिस्ट्री को सॉल्व करने का, लेकिन आपका मन भी करता है कि आप एक साइंटिस्ट बने? और ये दोनों डिफरेंट डिज़ायर में आप अगर कंफ्यूज हो गए हो तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है फॉरेंसिक साइंटिस्ट का। और ये दोनों डिफरेंट डिज़ायर आपके एक में ही पूरे हो सकते हैं। फॉरेंसिक साइंस में एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं? यूजली फॉरेंसिक साइंस प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अंडर ग्रेजुएट डिग्री रिक्वायर्ड होनी ज़रूरी है, जैसे कि बैचलर ऑफ साइंस या फिर बैचलर ऑफ फॉरेंसिक साइंस। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट भी होते हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम को भी ऑफर करते हैं, और साथ ही साथ आपका साइंस और साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट में आपका जो बैकग्राउंड है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट भी होते हैं जो कि एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, जैसे कि नेशनल लेवल की या फिर इंस्टीट्यूट स्पेसिफिक एग्ज़ाम की। इन एग्ज़ाम में अच्छी रैंक लाना भी एडमिशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। वैसे आपको ये पता तो चल ही गया होगा कि जहाँ क्राइम है वहाँ फॉरेंसिक साइंस है। वैसे ही आपने मूवीज़ या फिर सीरीज़ में देखा होगा कि कैसे फॉरेंसिक टीम आके उस मिस्ट्री को सॉल्व करती है। और साथ ही साथ फॉरेंसिक साइंस के कई सारे ब्रांचेस होती हैं, और हर एक ब्रांच स्पेसिफिक टाइप एविडेंस और इन्वेस्टिगेशन के लिए होता है। और ब्रांचेस कुछ इस तरह से हैं, जैसे कि फॉरेंसिक बायोलॉजी, फॉरेंसिक केमिस्ट्री, फॉरेंसिक साइकोलॉजी, फॉरेंसिक पैथोलॉजी एंड फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी एंड फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी। सो बेसिकली हम फॉरेंसिक बायोलॉजी में करते क्या हैं? इसमें हम डीएनए एनालाइज और सीरोलॉजी जैसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, और फॉरेंसिक बायोलॉजिस्ट ब्लड स्टेन, हेयर और अदर बायोलॉजिकल सैंपल्स को एनालाइज करते हैं जो कि हमें क्राइम सीन पर मिलने होते हैं। और अब बात करते हैं फॉरेंसिक केमिस्ट्री पर। ये ब्रांच ऑफ केमिकल सब्सटेंस को एनालाइज पर फोकस करता है। फॉरेंसिक केमिस्ट्री ड्रग एक्सप्लोसिव और अदर सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करता है जो कि हमें क्राइम सीन पर मिलते हैं। सो हम नेक्स्ट बात करते हैं फॉरेंसिक साइकोलॉजी के बारे में। इसमें हम क्रिमिनल्स बिहेवियर, उसके साइकोलॉजी के प्रिंसिपल को इस्तेमाल होता है। फॉरेंसिक साइकोलॉजी में सस्पेक्ट की बिहेवियर और उसकी मेंटल स्टेट को एवेल्युएट करते हैं, और कोर्ट प्रोसीडिंग में एक्सपर्ट टेस्टिमोनी देते हैं। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉरेंसिक पैथोलॉजी के बारे में। ये ब्रांच ऑफ पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन और केस ऑफ डेथ के इन्वेस्टिगेशन पर फोकस करता है। और हम नेक्स्ट बात करते हैं फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी के बारे में। फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी ये ब्रांच ऑफ ह्यूमन रिमेन स्टडी और आइडेंटिफिकेशन पर फोकस करता है। फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्केल्टन और ह्यूमन रिमेन्स को एनालाइज के थ्रू विक्टिम आइडेंटिफिकेशन और कॉज ऑफ डेथ डिटरमाइन करता है। लास्ट वन हम बात करते हैं फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी के बारे में। इसमें हम केमिकल्स टॉक्सिन के रोल को स्टडी किया जाता है, पर्टिकुलर इन केस ऑफ पॉइजनिंग या फिर सब्सटेंस एब्यूज। फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजिस्ट ऑटोप्सी रिपोर्ट्स के ब्लड सैंपल्स को एनालाइज करते हैं। ये ब्रांच ऑफ फॉरेंसिक साइंस के कुछ प्रमुख एरियाज हैं जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को क्यूरिकल एविडेंस प्रोवाइड करते हैं। कस्टडी को मेंटेन करना फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये एविडेंस के तमाम स्टेज या फिर डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड को प्रोवाइड करता है, जो एविडेंस के लिए ऑथेंसिटी इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करता है, जो कुछ मुख्य रीज़न है चेन ऑफ कस्टडी को मेंटेन करने के लिए। तो क्या आप भी चाहते हो फॉरेंसिक साइंटिस्ट बनना? तो एक बात ज़रूर ध्यान रखना कि आपके सब्जेक्ट में साइंस का होना बहुत ही ज़रूरी है, और वो साइंस सब्जेक्ट आपका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो अब तक मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर अंदर बायोटेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। तक के लिए बाय, और हम फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।